गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु के ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। टेस्ट संख्या जो 46 है, 46, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 303.0041 में से 18 पॉइंट ये घटाना है, फिर ये 9.106 घटाना है। ठीक है, पहले इसमें से ये घटा देंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे, तो 303.0041। पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लेना है, तो पॉइंट दशमलव की जोड़ भाग कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, ऐसे वैसे कुछ, इधर भी पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, इस तरीके से अंक ले लेना है। इधर पहला अंक 0, दूसरा अंक 1, 9, इधर आ जाएगा 8 और 1। जहाँ खाली जगह वहाँ क्या लगा देते हैं, 0 घटा दो। 1 में से 0 गया 1, 4, 14 में से 9 गया 5, ये 8, 9, 4, 8, ये आ गया 284.9851। इसमें से ये और घटाना है, तो हम लिख देते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पहला अंक 9, इधर 106, खाली जगह वहाँ 0, माइनस कर दे, 1 में से 0 गया 15, में 6 गया 9, 7 में 0 गया 7, 9 में से गया 8, 14 में 9 गया 5, 275.8791, ये आपका आंसर। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके हमें घटाते जाना है। चलिए अगला सवाल है, आसान लेकिन अच्छा सवाल, इसमें भी कई बार भाग में भी हमें कई बार दिक्कत हो जाती है। 22 का भाग दिया, एक बार गया, 22 घटाए, पीछे रहा 0, उतारा 2, अब 2 में 22 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, भाग टूट गया आगे, तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आगे अंक पड़ा है कि नहीं पड़ा, आगे अंक पड़ा है, भाग अगर दे रहे हैं भाग नहीं जाता, आगे अंक पड़ा है तो भाग टूटी सुख 0 लगता है। अब ये 2 उतारा, कितनी बार जाएगा, एक बार, 22 घटाया 0, फिर अब ये 2 उतारा, क्या भाग जा रहा है, भाग टूट गया, आगे अंक पड़ा है 2, हाँ भाग टूटा है, आगे अंक पड़ा है 0 लगाते, आगे अंक नहीं होता तो पॉइंट लगाते, आगे अंक पड़ा है तो भाग टूटी सुख 0। अब ये 2 उतारो, 22, एक बार भाग दे, आंसर आ जाएगा ये। टाइप का सवाल हमने कल परसों भी किया था, इकाई अंक वाला, फिर करते हैं। क्या करते हैं, घात ले लो, घात में 4 का भाग दो, 83 है, 83 में 4 का भाग दो, ठीक है, 20 बार जाएगा, शेष फल कितना आया वो ले लो, शेष फल कितना आया बच्चों इसमें, 3, इसकी घात कितनी, 112, इसका भाग दोगे तो शेष फल बचेगा 0, शेष फल 0 नहीं लेना, 0 मतलब 4 ले लेना, भाग 4 का पूरा पूरा जा रहा है, 0 नहीं लेना, क्योंकि किसी की घात 0 लोगे तो मान कितना आता है, यहाँ ध्यान दें, भाग पूरा पूरा जाता है, शेष फल 0 आता है तो 0 नहीं लेना, क्योंकि किसी की घात 0 मतलब मान 1 ही आता है, उसकी जगह घात 4 ले लेना है। यहाँ के इकाई अंक ले लो, इसका 7 है, 7 के ऊपर शेष फल कितना, 3 लगा लो, प्लस यहाँ इकाई अंक कितना, 2, इसके ऊपर घात 0 नहीं लगानी, 0 होता तो 4 लगा देने, 7 की घात 3, 343 प्लस 2 की घात 4, ये कितना आ जाएगा, 16, दोनों को जोड़ा तो 9, 5, 359, इकाई अंक कितना है, 9, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा ध्यान दे, इस टाइप का सवाल करा दिया था, घात ले लो, घातम 4 का भाग दे दो, शेष फल आता है वो इकाई अंक पे लगा लो, उनको फिर जोड़ भाग गुणा करके उसका एक अंक वो निकाल लो, ध्यान दें शेष फल 0 आता है तो घात 0 नहीं लेनी है, घात 4 लेना है। करब सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से भाजित हो जाए, तो 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9,
इनकी देखो नौ की भाजकता का नियम क्या है, जैसे जो कि तीन की भाजकता का नियम है वही नौ की भाजकता का नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में नौ का भाग जाता है तो पूरी संख्या में नौ का भाग जाएगा। जोड़ो सबको, छह सात तेरह, तेरह नौ बाईस, बाईस हो रहा है। तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, पांच जोड़े मिनिमम, तो कितना आएगा सत्ताईस, और सत्ताईस में नौ का भाग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, कम से कम जोड़ना कितना है पांच, पांच जोड़ेंगे तो योग सत्ताईस हो जाएगा, ठीक है, और उसमें नौ का भाग पूरा पूरा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, ये अनरूट के अंदर अनरूट है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, सबसे अंदर वाला अनरूट हल करना है। सबसे पहले अंदर वाला हल करते हैं, तो चार का चार प्लस अनरूट चौवालीस का चौवालीस प्लस दस हजार का वर्गमूल कितना आ जाएगा सौ, चार जीरो है तो चार की जगह कितने जीरो आ जाएंगे दो, चार प्लस अनरूट चौवालीस प्लस ये सौ कितने हो जाएंगे एक चौवालीस, चार प्लस एक चौवालीस का वर्गमूल बारह, जोड़ा तो सोलह आया, सोलह का वर्गमूल कितना आ गया चार। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अच्छा सवाल है ये पांचवा। पांच अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पांच अंकों की कह रहा है सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो हम भाग विधि यूज करेंगे। पांच अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन सी, निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे, ये पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये ले ली। हम भाग विधि लगाएंगे, भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे की तरफ से कितने का जोड़ा बनाते हैं दो दो का, दो दो का जोड़ा बनाते हुए आते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ एक अंक बचा तो अंत में एक अंक का जोड़ा भी बन सकता है, लेकिन पीछे की तरफ से दो दो का जोड़ा बना के आते हैं। अब प्रत्येक जोड़े में से पूर्ण वर्ग संख्या घटाई जाती है, नौ में से किसकी वर्ग संख्या घट सकती है, तीन की, यहाँ दो बार लेते हैं जो अंक लिया यहाँ ऊपर, यहाँ दो बार लेके जोड़ दिया तीन और तीन छः, यहाँ ये तीन की वर्ग संख्या कितनी नौ, घटाया जीरो। अब ये एक अंक उतरेगा जोड़ा, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब उस छः के बगल में एक लिखते हो एक से गुणा करो इकसठ आया, दो लेते हो तो दो से गुणा करो एक सौ चौबीस, तो दो तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही लेना पड़ेगा। छः के बगल में कितना लें एक, और एक से गुणा करें तो कितना आ रहा इकसठ, वो घटाएंगे एक लिया है यहाँ एक घटाए इकसठ, पीछे कितना रहा अड़तीस, हाँ ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ जोड़ेंगे इकसठ और एक कितना हो जाएगा बासठ। अब एक अंक उतरेगा पूरा जोड़ा, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब यहां बासठ है, बासठ के पास एक है तो एक लेके गुणा करो, अभी अड़तीस है तो लगभग छह या पांच के आसपास होगा, छतंग छत्तीस होता है, छह से गुणा किया छतंग छत्तीस होगा, आज लगे तीन छह दूरी बारह, तीन पंद्रह पांच आज लगे छतंग छत्तीस एक सैंतीस, तो सैंतीस सौ छप्पन आ रहा है, छह लिया यहां, ठीक है। इसे आगे हल करना होता तो छह लेके जोड़ लेते, ये मान लो कितना आता छह सौ बत्तीस, ठीक है, घटाएं इसमें से नौ में से छह गया तीन, नौ में से पांच गया चार, आठ में सात गया एक जीरो, शेष फल कितना आ रहा है एक सौ तैयलीस। ये एक सौ तैयलीस इसमें से क्या कर दें हम लोग, घटा देते हैं नौ, निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे में से शेष फल जो आता है भाई, शेष फल इतना बच रहा है, भाग पूरा पूरा जाने का मतलब शेष फल जीरो बचना चाहिए, तो एक सौ तैयलीस इसमें घटा दो, छ पाँच आठ नौ निन्यानवे हजार आठ सौ छप्पन, ठीक है। भाग विधि से करना है हमें, पीछे की तरफ से दो दो का जोड़ा बना के आगे एक अंक का जोड़ा बनता है तो भी चलेगा, पूरा जोड़ा उतरता है इसमें ध्यान दें, और वर्ग संख्या घटाते, जैसे पहले जोड़ा नौ है, नौ में से किसकी वर्ग संख्या जाएगी तीन की, तीन लिख दिया ऊपर, और यहाँ दो बार लिखते हैं तीन तीन और जोड़ते हैं छः, नौ में नौ गया जीरो, पूरा जोड़ा उतरना निन्यानवे। अब छः के बगल में एक लिख के एक से गुणा के इकसठ आया, एक लिया एक घटाया अड़तीस, पूरा जोड़ा उतरता है निन्यानवे। अब इकसठ एक बासठ, बासठ के बगल में छः लिखा, छः से गुणा करोगे दिया आया घटाया शेष फल एक तैयार, इसमें शेष फल घटा देते हैं।
अगला सवाल आसान लेकिन अच्छा सा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां दो चीजें साथ में कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः भाज्य हो। तो छोटी छोटी संख्या मतलब क्या निकालते हैं? लसप। और हमें पता है कि वो संख्या जिसमें 12, 15, 20 का भाग जाता है, लसप पूछ रहा है। साथ में ये भी पूछ रहा है पूर्ण वर्ग भी हो, दो शर्त कह रहा है, विभाजित भी हो। हमें अभी तक जो सवाल किए थे वो क्या आते थे, या तो विभाजित आते थे या पूर्ण वर्ग। इसमें पूर्ण वर्ग भी है और विभाजित भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लसप निकाल लेंगे इसका, 12, 15, 20 का लसप निकालेंगे। संक्षिप्त विधि से 2 का भाग दिया 12 6 बार, 15 में नहीं गया वैसे कुछ, जिसमें नहीं जाता वैसे वैसे लिखते, 20 में गया 10 बार, फिर 2 का दिया 3 15, फिर 3 का दिया 1 5 5, फिर 5 का दिया 1 1 लसप कितना आएगा? 2 × 2 × 3 × 5, ये तो आ गया। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग भी चाहिए भैया, पूर्ण वर्ग भी चाहिए। तो 2 2 का तो जोड़ा बना हुआ है, 3 एक बार, तो एक बार 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग में कितने के जोड़े में होते हैं? सभी संख्याएं 2 2 के जोड़े, और 1 5 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्यों? 5 एक बार है। तो ये जो संख्या आएगी ये आपकी पूर्ण वर्ग होगी। तो 2 2 4, ये क्यों किया यहाँ 3 से 5 से गुणा? कि ये लसप आ गया, तो लसप में इनका 12 आकार 15 आकार 20 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग कह रहा है पूर्ण वर्ग में सभी 2 2 के जोड़े में होने चाहिए। 2 2 2 का जोड़ा है ये, 3 का जोड़ा नहीं 3 से गुणा किया, 5 का जोड़ा नहीं 5 से गुणा किया। 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 5 180 190। उत्तर कितना आ गया आपके? 900। क्योंकि 900 वो सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 12, 15 और 20 से जो है भाज्य भी है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आसान है, बस शब्दों का खेल है इसमें। प्रश्न कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो। तो हमने संख्या को क्या मान लिया? x। वह संख्या ज्ञात करो जिसका एक तिहाई उसके पांचवे भाग से 16 अधिक है। मतलब उसका एक तिहाई मतलब x बटा 3 जो है उसका पांचवा भाग मतलब x बटा 5 से 16 ज्यादा है, तो प्लस 16। संख्या x मानी, कह रहा उसका एक तिहाई मतलब x बटा 3 उसके पांचवे भाग मतलब x बटे 5 से 16 ज्यादा है, तो प्लस 16। x बटे 3 माइनस x बटे 5 बराबर 16। अच्छा, 3 और 5 का लसप आया 15, 3 का भाग 15 5 बार, 5 का x से क्या 5 x माइनस 5 और इसमें 3 बार 3 x बराबर 16 कटाया 2x बटा 15 बराबर 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ले जाओ उधर, 16 इंटू 15 बटा 2, 2 का भाग छोड़ा हम दिया 8 बार, 15 हटे 120, तो वह संख्या क्या होगी? 120। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आसान लेकिन अच्छा प्रश्न, अलग टाइप का प्रश्न है ये, ठीक है। कह रहा है एक विद्यार्थी ने चार विषयों में 78% औसत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो आप ये देखें पहले तो चार विषयों में कुल अंक कितने होंगे? 78 × 4 तो 8 × 4 = 32 रुपये हो, हसला की 3 × 7 = 28, 28 × 3 = 31, तो समीकरण एक तो हो गया 312। अब कह रहा है पांच विषयों में वो लाना चाह रहा 80%, तो पांच विषयों में कुल अंक कितने होंगे? 80 × रासायनिक संख्या 5 = 400। समीकरण तो आसान है, 4 अंकों कुल हो गए, 5 अंकों कुल हो गए, तो पांचवे विषय में कितने अंक चाहिए होंगे? पांचवे विषय में अंक कितने चाहिए होंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 5 विषय अंकों में 4 विषय का अंक घटा घटा दो, 400 - 312
इतिहास या आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बिल्कुल आसान था। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाता है? ठीक है, 5/3 गुना हो जाता है। यहां ध्यान दें, थोड़ा डीप सवाल है, इतना डीप नहीं आएगा आपके, फिर भी मान लें। मूलधन कितना माना हमने एक्स, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5/3 एक्स हो जाता है, 5/3 हो जाता है। हो जाता वाली राशि कौन सी होती है? मिश्रधन। थोड़ा डीप सवाल है, अच्छा सवाल है, समझे। 5/3 हो जाता है, कुल कितनी राशि हो जाएगी या कुल कितनी राशि लौटाई जाएगी, ये हमेशा क्या होता है? मिश्रधन। तो मूलधन x माना, तो मिश्रधन कितना हो गया 5/3 x। तो ब्याज क्या होगा बच्चों? साधारण ब्याज बराबर वो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, 5/3 x - x, बटे में कुछ नहीं, एक एक और तीन का लसअप, तीन तीन का इसमें एक बार, तो 5x - 1 का वक्त 3 में 3, ये आ गया 2x/3, ये आ गया। तो आपके मूलधन तो ये आया और ब्याज ये आ गया। साधारण ब्याज के सूत्र में लगा लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा, साधारण ब्याज कितना है 2x/3 बराबर मूलधन कितना माना x इंटू दर, ज्ञात करनी है तो मान लो दर को दर ही लिख दूँ, x तो पहले चल ही रहा है, समय 5/100, ले जाओ सबको उधर, तो 2x * 100 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये 3 तो है ही है, ये 5 और x बटे में आ जाएगा, x चला जाएगा, 5 का भाग इसमें दिया 20 बार, ये कितना रहेगा 40/3, 3 का भाग दिया इसमें एक बार, कितना रहे 13 सही 1/3%। ठीक है, 13 सही 1/3%। अच्छा सवाल था, 5/3 हो जाती तो मिश्रधन मानोगे, मूलधन एक्स माना, मिश्रधन 5/3 एक्स हो गया। पांच से नहीं है ये, 5 के है, गुणक मतलब होता है गुणज, यहां पे भी गुणक से ज्यादा गुणज होता, ठीक है ना, ये गुणक भी कहते हैं, लेकिन गुणज कह दो, गुणक कह दो, चाहे पहाड़ा कह दो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुणक कहें कैसा, गुणक क्या है, गुणक की जगह गुणज भी कह सकता है या इसको पहाड़ी भी कह सकता है। कह रहा 5 के पहले 7 पहाड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 / 7 जोड़ो, 15 + 15 = 30 + 20 = 50 + 75 + 75 = 35 = 110 + 30 = 140 / 7, उत्तर कितना आ जाएगा 20, बिल्कुल सही जवाब 20। चलिए अब आयु का प्रश्न है, आयु वाले सवाल अनुपात समानुपात वाले हम करते हैं, पहले भी खूब किए हैं, आसान सा प्रश्न है, अच्छा सवाल है। देखो इसमें थोड़ा सा सवाल को थोड़ा घुमाया है, इसको समझें, ये अच्छा सवाल है, ये वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया है, 3 वर्ष पूर्व का दिया, ये ध्यान दे, 3 वर्ष पहले का दिया है, तो जो चीज दे रखी वही मैं लिखता हूं भाई, 3 वर्ष पूर्व सीता अनुपात गीता कितना दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व कितना दे रखा है, 7/3, तो सीता हो गई 7x, गीता हो गई 3x, ये है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व सीता अनुपात गीता है कि अनुपात है, अपना आय का अनुपात दिया 7/3, तो सीता के 7x, गीता के 3x,
ठीक है। तो पहले तो देखो वर्तमान 3 साल पहले का अनुपात है, तो 3 साल पहले की उम्र है ये 7x3, तो वर्तमान में क्या होगा, सीता कितने की हो जाएगी 7x+3, और गीता कितने की हो जाएगी 3x+3। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सीता और गीता की उम्र होगी 7x+3 और सीता की गीता की 3x+3। कह रहा है वर्तमान में सीता की जो उम्र है, सीता की उम्र कितनी 7x+3, वो गीता की उम्र से 12 वर्ष, गीता की उम्र कितनी 3x+3 से 12 अधिक है, तो +12, तो 7x+3 बराबर 3x+12 = 15, 7x - 3x = 15 - 3 4x = 12, x = 12/4, x = 3। तो कह रहा दोनों की वर्तमान उम्र का योग, तो वर्तमान का योग पूछा है, तो दोनों की वर्तमान होगी कितनी, सीता की तो है 7x+3, तो 7 × 3 + 3 21 + 3 कितना हो गया 24, ये तो है सीता, ठीक है ना, ये वर्तमान उम्र है सीता की। और गीता की कितनी होगी वर्तमान उम्र, हमने मानी है 3x+3, तो 3 × 3 + 3 9 + 3 = 12। हमें पूछा क्या है योग, तो 24 + 12 वर्तमान उम्र का योग कितने वर्ष आ जाएगा, 36 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब, खूब बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चोर अपहरण 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। चोरी का पता अपहरण 3 बजे लगता है, 3 बजे पता चलता है। कार का मालिक दूसरी कार से, मतलब आधे घंटे बाद, कार का मालिक जो है दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, कार को कितने समय में पकड़ेगा। तो भैया आप मुझे बताएं, 2:30 बजे चोर रवाना हुए गाड़ी चुरा के, और 3 बजे कार का मालिक पीछा किया, तो जो आधा घंटा है 2:30 से 3 का, आधे घंटे 30 मिनट कह दो चाहे ढाई, आधा घंटा कह दो, आधे घंटे में चोर द्वारा तय दूरी कितनी होगी, चोर की स्पीड है 60 की, तो 30 मिनट चला आधे घंटे, मतलब गैप कितने किलोमीटर का पड़ गया, 30 किलोमीटर का भाई, क्योंकि 2:30 बजे रवाना हुआ और 3 बजे दूसरा जो कार मालिक है वो रवाना हुआ, आधे घंटे का गैप था, आधे घंटे में चोर कितना गैप डाल देगा, 60 × 1/2 30 किलोमीटर का। अब जब पीछा करेगा तो सापेक्ष चाल ली जाती, दो चालें हैं और समान दिशा में पीछा करेंगे तो एक ही दिशा में दोनों जाएंगे, तो चालों का अंतर लेते हैं, तो 75 - 60 कितना आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आई, दूरी ये है, चाल ये है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी है 30, चाल है 15, 2 घंटे लगेंगे भैया, तो कितने बजे पकड़ेगा चोर को, तो रवाना कितने बजे हुए, 3 बजे, 2 घंटे लेगा, तो शाम 5 बजे उस चोर को वो पकड़ लेगा। ठीक है,
शाम को 5 बजे, 4:30 नहीं होगा, पुलिस भाई 2 घंटे लग रहे हैं किसको, कार मालिक को, तो कार मालिक तो 3 बजे रवाना हुआ ना बेटा, चोर 2:30 बजे रवाना, उससे मतलब थोड़ी है, कार मालिक कितने बजे रवाना हुआ, 3 बजे, और उसको 2 घंटे लगे पीछा करने में, तो 3 + 2 = 5 घंटे इसका आंसर होगा बेटा, है ना, 2 घंटे सही है, लेकिन वो 2:30 में 2 नहीं जोड़ोगे, 3 में 2 जोड़ोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। आयताकार खेल का मैदान, इसकी लंबाई दे रखी 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर की और 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमें 30 मीटर, तो उसके चारों और बाहर की तरफ रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, इसका मैं सीधा आपको ट्रिक लिखवा देता हूँ, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x, या अभी मैं बता दूंगा क्या है ये, 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस माइनस वापिस 2x, ठीक है। यहां x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, और अब इसमें प्लस कब लेंगे, जब रास्ता बाहर हो, जैसे इस सवाल में जैसे बाहर की ओर दिया, माइनस कब लेंगे, जब रास्ता कहां हो, अंदर की ओर, ये भी ध्यान दें, रास्ता अंदर की ओर हो तो माइनस लेंगे, रास्ता बाहर की ओर हो तो प्लस लेंगे, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, एक्स, तो 2 × रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर, तो 1.5 कोष्टक, लंबाई कितनी 40 प्लस चौड़ाई कितनी 30, रास्ता बाहर की ओर है तो प्लस लेंगे, 2 × रास्ते की चौड़ाई 1.5, 3 कोष्टक, 40 + 30 + 3, 3 कोष्टक, 40 + 30 = 70, 3 = 73, 73 × 3 = 9, 7 × 3 = 219, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, थोड़ा डीप सवाल है, इसको समझना, बेलनों का आयतन का अनुपात पूछा है, तो बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार आता है, एच 1 बार, तो क्या हो जाएगा, पाई का तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात है 5:3, ठीक है ना, तो पहले बेलन के लिए क्या लेंगे, आर त्रिज्या कितनी 2 का स्क्वायर * एच पहले के लिए कितनी 5 अनुपात, दूसरे के लिए त्रिज्या कितनी 3 का स्क्वायर * दूसरे की ऊंचाई कितनी है 3, 2 × 2 = 4 × 5 अनुपात, 3 × 2 = 9 × 3 = 20 / 27, ये आयतन का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कह रहा रोज को लिख रहा है ये, तो इसको खड़े में लिख दें ROSE और ये TQUG, R मतलब 18, O मतलब 15, S मतलब 19, E मतलब 5, T मतलब 20, Q मतलब 17, U मतलब 21, G मतलब 7, 18 से 20 2 जुड़ा, 15 17 2 जुड़ा,
19 से 21 दो जुड़ा, 5 से 7 दो जुड़ा, हर एक में दो दो जुड़ रहा है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ दो दो जोड़ के, दो जोड़ो बी में दो जोड़ो डी, आई में दो जोड़ो आई जे के, एस में दो जोड़ो यू, सी में दो जोड़ो ई, यू में दो जोड़ो डब्ल्यू, आई में दो जोड़ो के, दो जोड़ो बी। आंसर आपका ये आ जाएगा। दिशा दूरी का ये प्रश्न है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अमन अपने कॉलेज से आरंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये आरंभिक स्थान है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ 10 आ गया। फिर बाएं मुड़कर लेफ्ट हैंड साइड चल के 10 चला, वहां से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, दाएं मतलब यहां। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा, मुंह तो उधर है ना ऊपर, तो उत्तर दिशा हो गया आंसर इसका। कह रहा है दीपक राजू का परिचय कराते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के, दीपक कहता है राजू के बारे में कि वह मेरे पिता, मतलब दीपक कह रहा है कि राजू जो है वो मेरे पिता के पिता, पिता के पिता, ठीक है ना। दीपक कह रहा है राजू के बारे में, दीपक कह रहा है कि मेरे पिता के पिता की पोती, की पोती मतलब वो क्या होगी, दीपक की बहन होगी, दीपक की कौन होगी, बहन, पोती मतलब कौन हुई, भाई दीपक के दादा की पोती मतलब वो दीपक की बहन हुई, का पति कौन है, राजू, तो राजू कौन हुआ, बहन हुई, और दीपक कौन हुआ, साला, तो राजू का, तो पहले नाम राजू है, तो राजू क्या हुआ, बहन हुई या जमाई जो भी कह दो। और अगर कहता दीपक का राजू से तो साला आंसर होता। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया जिसमें एक पद लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करें। 4 से 6 दो जुड़ा, 6 से 8 दो जुड़ा, फिर इसमें ये नहीं हो रहा है, इसमें दो चीजें चल रही है, डबल श्रृंखला है, देखो इसको ऐसे समझ लो, इसमें दो श्रृंखलाएं 7 चल रही है भाई। ये देखो आप 4 से 8, 8 से 12, 12 16, 4 का पारा चल रहा है, ठीक है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, और इसमें 6 का पारा चल रहा है, प्लस 6 प्लस 6 तो प्लस 6, 18 प्लस 6 आंसर कितना आ जाएगा, दो श्रृंखलाएं अल्टरनेट चल रही है। अब लास्ट प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण में मैंने बताया पलटता है, दाएं से बाएं जाता है, ये इसको आप कल्पना करो ऐसे लाओ, ऐसे तो जो नजदीक है इधर वो इधर भी नजदीक रहेगा, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा मतलब सी फॉर कैट, ठीक है। चलिए आज का टेस्ट पेपर अपना हल हुआ, ठीक है, इन सवालों को दोबारा करें, सूत्रों को रटें, धन्यवाद।